कुछ डाकुओं की कहानी ऐसी है जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि इन्हें बहुत सताया गया होगा या फिर सिस्टम से मजबूर होकर ये बागी हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पान सिंह तोमर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के भिड़ौसा में 1932 को जन्मे पान सिंह तोमर एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के एथलीट थे। इन्हें इनकी दौड़ने की खूबी का पता भारतीय सेना में जाने के बाद चला। ये 7 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं। इन्होंने 1958 में एशियाई खेलों में भी हिस्सा लिया था। 6.5 फीट ऊंचा कद वाला पान सिंह अपनी जमीन के लिए 8 साल तक जूते घिसने के बाद डकैत बना। इससे पहले वह सेना में सूबेदार के पद पर तैनात है। ये डकैत राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा। सूबेदार के पद पर रहते उसने 7 सालों तक ये मुकाम अपने नाम कर रखा था। एक बार उसने जमीनी विवाद में अपने रिश्तेदार बाबू सिंह की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पान सिंह ने खुद को बागी घोषित कर दिया। कभी देश के लिए दौड़ने वाला पान सिंह हर बिहारों में दौड़ रहा था। कुछ ही दिनों में बिहारों को रौंदते हुए पान सिंह पूरी चंबल घाटी का डकैत बन गया। कहते हैं कांटों से भरी चंबल घाटी में शेर नहीं होते, लेकिन दुनिया ने पान सिंह को नाम दिया चंबल का शेर। पान सिंह जब एक बार दहाड़ता तो पूरी चंबल घाटी थराने लगती। पान सिंह का एनकाउंटर करने वाले रिटायर्ड डीएसपी एमपी सिंह चौहान ने बताया था कि खुद पुलिस वाले पान सिंह के नाम से कांपते थे। पान सिंह अपने गैंग में शामिल डाकुओं से नशा न करने की अपील करता था। पान सिंह के भतीजे बलवंत के अनुसार पान सिंह मजाकिया किस्म का इंसान था। वो बड़े बूढ़ों से लेकर सबसे मजाक करता था। पान सिंह ताश खेलने का शौकीन था। उसे ताश में देहला पकड़ ताश का एक खेल बहुत पसंद था। पान सिंह की बेटी अटाकली बताती है कि पान सिंह फरारी के वक्त 3 से 4 बार घर आया, लेकिन वो घर पर कुछ लेकर नहीं आता था, बल्कि घर से 400 से 500 रुपये ले जाया करता था। पान सिंह को पकड़ने के लिए भी एसआईएफ की 10 कंपनियां एसटीएफ की 15 कंपनियां लगाई गई थी। इसके बाद जिला फोर्स अलग थी। डकैत पान सिंह को पकड़ने के लिए सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। पान सिंह के दुश्मन में से एक रहे वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि पान सिंह की खौफ से वीरेंद्र 24 घंटे पुलिस साए में रहते थे। किसी ने सही कहा है कि लोहे को लोहा की काट सकता है। यही बात लागू होती है पान सिंह तोमर पर भी। अर्जुन सिंह उस समय के मुख्यमंत्री राजपूत थे। एसपी चौहान, जिन्हें पान सिंह तोमर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया, वो भी राजपूत ही थे। पान सिंह तोमर भी राजपूत परिवार से ही थे। अब यहाँ अर्जुन सिंह भी राजपूत, एसपी चौहान, पान सिंह तोमर भी राजपूत ही थे। सही है, एक शेर का मुकाबला एक शेर ही कर सकता है, ना कि कोई गिद्ध। इसीलिए सरकार ने एक राजपूत को इसका जिम्मा सौंपा। 1981 में पान सिंह का भाई माता दिन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बदले में पान सिंह ने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना से एमपी की राजनीति में भूचाल आ गया। इसके बाद पान सिंह ने एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को सीधे चैलेंज कर दिया। ये बात अर्जुन सिंह को कल गई। इसके बाद उन्होंने पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान सुना दिया। बाद में तत्कालीन डीएसपी ने पान सिंह के गांव के लोगों को नौकरी का लालच देकर पान सिंह को पकड़ने के लिए मुखबिरी कराई। कहते हैं कि अक्टूबर 1981 में लगभग 10,000 के फोर्स ने पान सिंह को घेर कर मार्च गिराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।